ब्रा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि हाथरस गैंगरेप का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ते जा रहा है और इसके इंसाफ के लिए पूरे देश में आवाज उठाई जा रही है। अभी हाथरस गैंगरेप का मामला थमा ही नहीं था कि एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ भी रेप का मामला सामने आ गया, जिसकी लाश को परिजन रोड पर रख कर और विरोध प्रदर्शन करने लगे, इंसाफ की मांग करने लगे। हालांकि इस घटना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है और योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी काफ़ी सवालिया निशान लग रहे हैं। कहीं ना कहीं पीड़िता के परिवार को धमकाने डराने का भी आरोप सरकार और पुलिस पर लग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र यूथ फोरम के तरफ से आज मुंब्रा शहर में पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जो है मांग की गई और उसे श्रद्धांजलि यहां पर दी गई है। जिस तरह से पूरे देश में लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सरकार के आड़े हाथों ले रहे हैं कि पीड़िता को इंसाफ दिलाया जाए, यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बन गया है पीड़िता के इंसाफ दिलाने के लिए और योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो यूपी सरकार वहाँ पे जो यूपी में हुआ, सबसे पहले तो बहुत गलत चीज़ हुई। जो हमारी मनीषा बहन है, हिंदुस्तान की बहन है, उसके साथ वहाँ पे गलत अत्याचार हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और वहाँ की सरकार ने, वहाँ के जो न्यूज़ वाले लोग थे जो दिन रात वहाँ पे खड़े थे, उनको न्यूज़ लेना था कि क्या क्या हकीकत है। पहली बात तो उनको हकीकत भी उन्होंने जानने नहीं दिया और जो अपराधी थे वो 1 से 2 दिन तो लापता थे, उनका कोई पता तो था नहीं, ठीक है। और सरकार भी कोई कॉपरेट कर रही नहीं थी। और हिंदुस्तान में तो ऐसा हो गया कि अभी जो भी हमारी माँ बहन लोग हैं सब बाहर निकलने से डर रहे। अब तो वक्त भी ऐसा हो गया है कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको इंसाफ मिल रहा नहीं है। जैसा आप देख सकते हो हमारी बहन के साथ हुआ है, तो आगे अभी आप लोग के जरिए कुछ हो सकता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सरकार पे तो वो सरकार ही चोर है जो सरकार इंसाफ कर ही नहीं सकती। आपको बता दें कि जो यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, इसमें बड़ी संख्या में जो है महिलाएं भी शामिल है और हम बात करेंगे उनसे भी। पर क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये घटना सामने आई, कहीं नहीं पूरे देश को ये घटना झकझोर कर रख दिया है। मनीषा की वजह से जितने हम लोग लेडीज लोग हैं ना घर से निकल सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। आज इसको इंसाफ नहीं मिला तो हम लोगों को भी आगे इंसाफ नहीं मिलेगा। ना हमको ऐसी चोर सरकार चाहिए, ना ऐसे जो यूपी के पुलिस वाले ना वो चाहिए। जस्टिस कुछ ऐसा करे कि वो यूपी वालों को भी कुछ ऐसा नजर आए, ना उनकी सरकार चाहिए ना वहाँ के पुलिस वाले चाहिए। उनको ऐसी सजा मिले जितने आरोपी जो रेपिस्ट है उन लोग के बराबर के ही, वो योगी और वो पुलिस वाले बराबर ही है, उन लोग के बराबर के ही है। ना उनके घर वालों को उनकी मैयत दी गई, ना कुछ दिया गया। आज उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ आपके थ्रू हम लोग ये मैसेज सबको देना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाओ। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम 2-4 की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों का भी काम है, अदरवाइज अदर किधर भी आप लोग आवाज़ उठाओ तो इस जैसी हजारों लड़की को, हम जैसी लड़कियों को इंसाफ मिलेगा और ऐसी चोर सरकार से हम दूसरी अच्छी सरकार ला सकते। तो ये हम पब्लिकों का काम है। हम ही पब्लिक गलत इंसाफ चॉइस करती है और बाद में भुगतती है। तो इसीलिए हमें अभी इतना सफल लंबा सफर तय करने के बाद हमको अच्छी सरकार चाहिए। तो प्लीज सबसे अपील है कि आप सरकार नेक्स्ट टाइम से अच्छी चुने और हम लड़कियों की सेफ्टियों की बहुत बड़ी पाबंदी रखे। आप भी एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसा कानून बनना चाहिए, दोषियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए कि ऐसा कदम उठाने के पहले जो है आरोपी सजा को सुनकर जो है पीछे हो जाए। पहली बात तो आरोपी बहुत ही दूर की बात है। पहली ऐसी पुलिस प्रशासन बननी चाहिए, वैसी सरकार बननी चाहिए कि क्राइम करने से पहला कोई भी क्रिमिनल सोचे कि अगर मैं कोई क्राइम करता हूँ तो ऐसी यहाँ की पुलिस है और ऐसा यहाँ का देश है तो मैं कोई क्राइम करने से पहला 10 बार सोचूंगा। ना हमारी सरकार मजबूत है, ना ही वहाँ की पुलिस मजबूत है। वहाँ की यहाँ की किधर की भी पुलिस मजबूत नहीं है। जब हम ही मजबूत नहीं है तो हमारा पेड़ कहाँ से मजबूत होगा। पहले हमको हमारा जड़ मजबूत करना पड़ेगा, फिर हमें आरोपियों के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ना ही हमारी सरकार मजबूत, ना ही कोई मजबूत। और रही बात उनको सजा देने की, उनको सजा इस तरीके से दी जाए कि वो एक सजा ना जिंदगी में वो जी सके, ना ही वो कब्र में जाके मर सके, ऐसी कि वो दुनिया में सड़ सड़ के मरे। किसी को मारने से उनकी सजा खत्म नहीं होगी। इस तरह मारेगा जिस तरह वो लड़की तड़पी है, जिस तरह उसके माँ बाप तड़पे हैं, उससे लाख गुना ज्यादा उन लोग तड़पना चाहिए और कुछ नहीं।
तो आपने सुना कि जिस तरह से महिलाएं हैं उनमें भी काफी गुस्सा नजर आ रहा है, जो पुरुष हैं उन्होंने भी काफी गुस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती जलाकर जो है श्रद्धांजलि तो दी गई है, और लेकिन पूरे देश में जो है आरोपी जिस तरह से अब गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।